अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरवर फूड सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल नए अंदाज़ में दाल कद्दू की रेसिपी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा बिल्कुल नए अंदाज़ में दाल कद्दू कैसे बनाया जाता है। एक पाव मैंने दाल ली है, दाल को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, दाल को अच्छी तरह धो लेंगे। दाल को आपने 3-4 मरतबा धो लेना है। दाल को मैंने 3-4 मरतबा धो लिया है। दाल में पानी शामिल करके आधा घंटा के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम कद्दू लिया है। कद्दू का छिलका उतार लेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे अर्ज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कद्दू का मैंने छिलका उतार लिया है, कद्दू को अब धो लेंगे। कद्दू को आपने अच्छी तरह धो लेना है। कद्दू को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, कद्दू को अब काट लेंगे। इस तरह आपने छोटा छोटा कद्दू को काट लेना है। तो सारे कद्दू को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। कद्दू को उबाइल कर लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और पैन में 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके कटा हुआ कद्दू शामिल कर देंगे और हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, कद्दू को चेक कर लेंगे। कद्दू को आपने इस तरह चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कद्दू हमारा पक के तैयार हो चुका है, अच्छी तरह कद्दू गल चुका है। गैस को बंद कर देंगे और कद्दू को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह आपने कद्दू को बाहर निकाल लेना है। तो सारे कद्दू को मैंने बाहर निकाल लिया है। आधा घंटा हो चुका है, दाल को उबाइल कर लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और जो पानी कद्दू उबाल करने के टाइम बचा हुआ था इसी में 2 गिलास पानी शामिल करके दाल को शामिल कर देंगे। वो वाला पानी बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना। आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे और हल्की आंच पे 40 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, दाल को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। दाल को भी बाहर निकाल लेंगे। दाल को आपने इस तरह बाहर निकाल लेना है। दाल को मैंने बाहर निकाल लिया है। गैस को दोबारा ऑन कर लेंगे। कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हल्का गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे। एक मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को 2 मिनट तक मैंने पका लिया है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटरों को मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर शामिल कर देंगे। 5 हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को 4-5 मिनट तक, टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 4-5 मिनट तक मैंने पका लिया है। तो टमाटर हमारे पक के तैयार हो चुके हैं।
अब इसमें उबाइल की हुई दाल शामिल कर देंगे और उबाइल किया हुआ कद्दू शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दाल और कद्दू को अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम आंच पे आपने 3-4 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि दाल भी हमारी उबाइल की हुई है और कद्दू भी हमारा उबाइल किया हुआ है, इसलिए हम इसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। अब इसमें आधा छोटी चम्मची गर्म मसाला शामिल कर देंगे और आखिर में हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं दाल कद्दू हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार का बना है, बिल्कुल नए अंदाज़ में मैंने इसे बनाया है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बनाना बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं एक ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ। मोहम्मद सरवर को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।